भाई साहब ये बंदा इतनी स्पीड से कार फेंकता है कि मैं बता नहीं सकता। फिर भी मैं बता देता हूँ कि 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये कार फेंकता है। और एक बात आपको बता दूं कि जिस साल मैं पैदा हुआ था उसी साल इस बंदे ने रिकॉर्ड सेट किया था कि 217 फीट दूर तक इसने कार फेंका था, उस चीज का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। ये बंदा इतनी परफेक्ट तरीके से कार फेंकता है और इतनी पावरफुल थ्रो करता है कि मैं बता नहीं सकता, मैं दिखाई देता हूँ। तो आज हम इसी कूलेस्ट स्किल को प्रैक्टिस करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, और इसके लिए सबसे पहले अपने को चाहिए प्लास्टिक कार्ड्स। तो इसको फेंकने के लिए सबसे पहले अपने को बेसिक्स आना जरूरी है। बेसिक्स सीखने के लिए मैं यूट्यूब में गया और काफी सारे ट्यूटोरियल्स देखा। ट्यूटोरियल्स देखने के बाद मेरे को पता चला कि इस कार्ड को पकड़ते कैसे है और फेंकते कैसे है। तो चलो अब प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कार्ड को कुछ इस तरीके से मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में रख करके फेंकना है और हाथ को बिल्कुल सीधा रखकर फेंकने की कोशिश करनी है। फेंकते फेंकते इतना तो आइडिया आ जाता है कि कार्ड बिना मुड़े आगे तक जा सके। फेंकते फेंकते मुझे 15 से 20 मिनट हो गए थे लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा था, तो उसी की प्रैक्टिस करने के लिए फिर से भिड़ गया। कार्ड को सही डायरेक्शन में फेंकने के लिए अपने हाथों को बिल्कुल सीधा रखकर फेंकना पड़ेगा, तभी वो सही डायरेक्शन में जा पाएगा। टारगेट सेट करने के लिए मैंने कुछ देसी जुगाड़ लगाया और इसी के साथ प्रैक्टिस करना चालू किया। काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी कार्ड टारगेट पे नहीं लग पा रहा था, उसके लिए मैंने बॉडी रोटेशन के साथ प्रैक्टिस करना चालू किया। बहुत समय हो गए थे लेकिन कार्ड टारगेट पे लग ही नहीं पा रहा था, फिर भी प्रैक्टिस करना चालू किया और यह देखो अब थोड़ा टारगेट को मुश्किल करते हैं। अब इस एप्पल से हम 2 मीटर की दूरी लेंगे और यहाँ से कार्ड फेंकना चालू करेंगे जब तक ये कार्ड वहाँ पर फंस नहीं जाता। जिस तरीके से यह इतना आसान दिखता है उससे कई गुना ज्यादा है मुश्किल रहा मेरे लिए एप्पल को हिट करना। ये चीज शूट करते करते हमारे कैमरामैन को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। स्पीड और पावर बहुत ज्यादा थी लेकिन एक्यूरेसी बहुत कम थी। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा ही मेहनत लग गई। काफी ज्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद मुश्किल से एक कार्ड एप्पल को हिट हुआ और देखो। फिर भी मैं प्रैक्टिस करता रहा जब तक कार्ड एप्पल में फंस नहीं जाता। चलो ये तो थी कार्ड को हाथ से फेंकने की बात। अभी तक मैंने हाथ से फेंककर एप्पल में तो कार्ड को फंसा दिया था लेकिन अब हम गुलेल से फेंककर दिखाएंगे। इससे काफी पावरफुल तरीके से कार्ड फेंकाएगा और काफी पावरफुल तरीके से दूर भी जाएगा और एप्पल में भी फंसेगा। जैसे कि मैंने माइक शेक की वीडियोस में देखा वो कुछ इस तरीके से ना लगाकर बीचों बीच कार्ड को ना फंसाकर थोड़ा किनारे में लगाते हैं ताकि शॉट कुछ इस तरीके से परफेक्टली जा सके। शुरू शुरू में कार्ड सीधे से जा ही नहीं रहा था क्योंकि माइक शेक का गुलेल और मेरा गुलेल काफी अलग था। फिर भी मैंने प्रैक्टिस चालू की और काफी देर बाद कार्ड सीधे से जा रहा था।
हवा वगैरह के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो रही थी बाहर में शूट करने के लिए, तो मैंने सोचा रूम में आके शूट कर लिया जाए। मैंने रूम में भी कुछ जुगाड़ लगा के सेटअप बना लिया था। मुझे काफ़ी समय हो गया था प्रैक्टिस करते करते, तो मेरी थ्रो इतनी पावरफुल हो जाती थी कि दीवार में कार्ड्स लगते ही कुछ कार्ड्स की हालत इस तरीके की हो जाती थी। अब मैंने सोचा कि गुलेल से सेटअप के अंदर ही प्रैक्टिस करते हैं। तो कई देरों तक प्रैक्टिस करने के बावजूद भी एप्पल में कार्ड स्टक नहीं हो रहा था, वो बस कट लग के नीचे गिर जा रहा था। बहुत कम लोग हैं यार इंडिया में इस टाइप का कंटेंट बनाने वाले, तो सपोर्ट करो यार भाई अपने भाई को, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कर दो अभी के अभी। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में किसी नई स्किल को सीखते हुए।